Dr. Prakash Khalap from Chembur. I practice in geriatrics, whereby I see very commonly these kind of problems of the bones, namely known as osteoporosis. It's a metabolic disease. When I say metabolic disease, इसका मतलब ये है कि शरीर रचना के लिए लगने वाला कैल्शियम जो बोन्स के अंदर छुपा रहता है या स्टोर रहता है, तो जब भी ज़रूरत पड़ती है, कैल्शियम का बहुत सारा काम है, आपके खून के अंदर कैल्शियम की लेवल कम हो गई, मात्रा कम हो गई, तो बुलावा आता है कि भाई कैल्शियम भेजो। तो ऑस्टियोक्लास्टिक सेल्स है ऊपर के ऑस्टियोक्लास, उनको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, कम ऑन, यू डिस्ट्रॉय दी बोन सेल्स एंड गेट अस अ कैल्शियम एंड ट्राई टू मेंटेन द कैल्शियम लेवल बिटवीन 9.2 टू 9.8 इन एल्डर्स। इन अ ग्रोइंग चिल्ड्रन यू रिक्वायर लिटिल मोर कैल्शियम एंड प्रेग्नेंट लेडीज देयर द 10.2 to 10.5 we take it as a normal because they require more because they are growing, as well as in females who are pregnant they have a fetus in the abdomen, it requires calcium, so in that case only we require more than 9.4. what happens if the calcium level jab kam hota hai to kya problem ho sakta hai, to isko main pehle khatam karta hu. metabolic disease of the bone, लो बोन मास यानी उसके अंदर को जो घनता है या हार्डनेस है वो कम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है ड्यू टू डीमिनरलाइजेशन। इसमें के जो कैल्शियम के जो आयंस है जिसको हम बोलते हैं खनिज, वो खनिज कैल्शियम का कम होने से क्या होता है, जैसे आप बिल्डिंग देख लीजिए, बिल्डिंग के अंदर आरसीसी स्ट्रक्चर होता है, पहले बीच में डाला जाता है लोहा, उसके बाजू में सीमेंट डाला जाता है, वो इसी तरह से ये अपना जो बोन है इसके ये बीच में ये ऐसे फाइबर्स रहते हैं, उसके आजू बाजू में एक कैल्शियम डिपोजिशन होता है, ये सेल्स है। जब ऑस्टियोपोरोसिस होता है तो ये सब पूरा खाली हो जाता है, देन इट बिकम्स वीक, वेरी इजीली फ्रैक्चर्स, स्पेशली द वेट बेरिंग जॉइंट्स। अब जो हिप जॉइंट है, यहाँ क्या होता है, आप जब खड़े रहते हैं और यहाँ गिर गए तो इसके अंदर ज़्यादा फोर्स आता है और कॉमनली हिप फ्रैक्चर हो जाता है। दूसरा, फैट लेडीज़ के अंदर जब सिर्फ ऐसे ज़ोर से बैठे तो भी फ्रैक्चर हो जाता है हिप जॉइंट, ये अपना वर्टेब्राज। और दूसरा, व्हेन आप पैर फिसल के गिर जाते हो, रिस्क के ऊपर आ गया तो रिस्क के ऊपर फ्रैक्चर हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना, वो आगे आस्ते आस्ते देखें। So I again repeat, metabolic disease of a bone, low bone mass due to demineralization of bones causing increased fragility, uski ghanata kam hoti hai, making bones more fragile, susceptible to fracture. ye aadmi aisa jhuk jata hai spinal cord, ha agar jab kam ho jata hai, aisa jhukne pe tutega nahi, lekin aap हो सकता है थोड़ा बैठने पे भी। ऐसे बहुत सारे केस मेरे पास आए हैं कि एक औरत कल्याण में रहती थी, सिर्फ पूजा करने के लिए नीचे बैठी, उसका हाथ फिसल के जोर से बैठी, खत्म, हिप का फ्रैक्चर हो गया उसको। सो कॉमन इन बोथ सेक्सेस, मेल फीमेल दोनों में सरीका होता है। फीमेल में ज़्यादा कब होता है कि जब उनकी मासिक पाली बंद हो जाती है तो एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है, तो उनमें इंसिडेंस ज़्यादा होता है मोनोपॉज के बाद, लेकिन बाकी के एज में बोथ सेक्सेस हैविंग सेम इंसिडेंसेस, मोर इन अर्बन पॉपुलेशन। शहरों में रहने वाले लोगों को ज़्यादा होता है, इसलिए क्योंकि आप देख रहे हैं सब हाई राइजेस हो रहे हैं, सन रेज आपको मिलना मुश्किल हो जाता है, हम भी धूप में जाके बैठते नहीं, हमको गर्मी होती है, तो सन का एक्सपोजर बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चमड़ी है, ये चमड़ी के अंदर ऐसा भगवान ने बनाया है कि जब अल्ट्रावायलेट रेज गिर जाते हैं इसके ऊपर, इसके अंदर विटामिन डी बनना चालू हो जाता है। 30 मिनट तक 30% अपना बॉडी है, दो हाथ दो पैर खुले रहेंगे पीठ, तो विटामिन डी बन सकता है, लेकिन जैसी आपकी उम्र बढ़ती जाएगी
तो ये बनने की क्रिया जो 30% होती है वो कम हो जाती है. सो मोर अर्बन पॉपुलेशन ड्यू टू लेस एक्सपोजर टू सनलाइट. डार्क स्किन पीपल, ये जो अपना स्किन जब डार्क होता है तो उसमें मेलानिन करके पिगमेंट होता है, वो सन रेज को अंदर जाने नहीं देता है, तो उस टाइम में भी उन लोगों में ये विटामिन डी मिलने की जो मात्रा कम हो जाती है. तो खाना खाने के टाइम में आपका विटामिन डी कम रहेगा खाने के अंदर तो भी ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना है. चिल्ड्रन एंड एल्डरली आर अफेक्टेड मोर. एट प्रेजेंट 25 मिलियन एंड विल गो टू 50 मिलियन इन इंडिया इफ नॉट करेक्टेड इन टाइम. 25 मिलियन अभी अप्रॉक्सीमेटली लोग सफ़र कर रहे हैं, साइलेंटली, मालूम नहीं किसी को, सफ़र कर रहे हैं. और कुछ सालों के बाद यदि हमने अभी उसकी निगाह नहीं की तो शायद 50 मिलियन तक बढ़ जाएगा. उसमें से 20% लोग औरतें हैं और 10-15% आर मेन. कॉमन इन एशियन, हमारे देश में ज़्यादा है और यूरोपियन लोगों में ज़्यादा है, अफ्रीकन में ज़रा कम है. उनमें हेरिडिटरी, उनके वंश के तरफ से उनको कुछ फ़ायदा होता है. अब राइट में देखेंगे ऊपर वर्टेबरा बताया है, जब नॉर्मल है ऐसा रहता है, जब उसका ऑस्टियोपोरोसिस हो गया तो वजन से आस्ते 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 ये दब जाता है. दबने के बाद फिर आपको बैकएक होना सकता है, क्योंकि क्या होता है ये जो होल दिखता है उसके बीच में से नर्व्स नीचे जाती है पैरों में. यदि वो दब गई तो आपको जिस तरफ वो नस जाती है उधर आपको संवेदना दर्द की होगी. जैसे अभी इधर L4 है, ये एरिया इधर तक L4, वो लंबर L4 मुझे लंबर 4, उसका जो नर्व L4 का यहाँ दब गया तो आपको यहाँ तक दर्द रहेगा. L3 तक रहेगा तो इधर रहेगा, L4 के आगे जाएगा, L5 के तो नीचे तक जाएगा, S1 आगे पैरों तक जाएगा. तो हम लोग जब पूछते हैं हिस्ट्री में उसको, हम पूछते हैं कि भाई आपको कहाँ तक दर्द जाता है, उससे हमें पता चलता है कहाँ ये फ्रैक्चर हो सकता है. ये स्टूप प्रोस्चर हो जाता है, देखो ये ऐसा आदमी बेंट हो जाता है यहाँ आस्ते आस्ते ऐसा होने से. सो बैकएक ड्यू टू फ्रैक्चर कोलैप्स वर्टेब्रा. हाइट रिड्यूसेस, खड़ा रहेगा तो आदमी उसकी हाइट नाप हो जाओ तो कम हो जाती, बिकॉज ये कॉम्प्रेस हो गया. स्टूप पोस्चर, फ्रिक्वेंट बोन फ्रैक्चर्स, घड़ी घड़ी थोड़ा सा हो गया फ्रैक्चर हो जाता है, ये कॉमन सिम्टम्स है. व्हाट कॉजेस ऑस्टियोपोरोसिस, क्या कारण से होता है. इम्बैलेंस बिटवीन बोन फॉर्मेशन बाय ऑस्टियोब्लास्ट. ऑस्टियोब्लास्ट जो होता है ये इधर पेरिफेरी के अंदर यहाँ होते रहे ज़्यादा करके, ये बॉर्डर है बोन की, वो यहाँ से फॉर्म होकर अंदर जाके उसको छोड़ देता है. और ऑस्टियोक्लास्ट सब जगह रहते हैं. ये जो ऑस्टियोक्लास्ट है वो बोन एब्सॉर्ब कर लेता है और ऑस्टियोक्लास्ट ब्लास्ट है वो फॉर्म करता है, क्लास है वो डिवाइड कर देता है. जब भी कैल्शियम लेवल कम हो गया तो मैंने आपको बताया वैसा इसको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है ऑस्टियोक्लास्ट को, भाई ज़्यादा एब्सॉर्ब करना है आपको तो ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी ज़्यादा होती है. ये सब काम कैसे होता है मैं आगे चल के बताऊँगा. दो बोन मैट्रिक्स रिमॉडलिंग इज कॉन्स्टेंट. ये जो निकलना बाहर अंदर जाना, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन द बोन्स इज ए कॉन्स्टेंट प्रोसेस. जिंदगी में जब आप पैदा हुए तब से ही चलते रहता है. इसका महत्व ये है कि 30 साल की उम्र तक आपका ये बोन जो ज़्यादा सॉलिड बन गया तो आपको आगे चल के तकलीफ कम रहेगी, क्योंकि आपके पास रिजर्व बोन मास ज़्यादा है. इसलिए 30 साल के अंदर आप जब डेवलप होते हो उस टाइम में आपको कैल्शियम वाली चीज़ें ज़्यादा खाना है. कैल्शियम वाली चीज़ें कौन सी मैं आगे बताऊंगा मैं आपको. सनलाइट में एक्सपोजर होना है, वेट बेयरिंग एक्सरसाइज यानी ज़्यादा खेलना कूदना है. आजकल शहरों में वो बच्चों को स्कूल है, स्टडीज है, खेलने को टाइम नहीं है, मैदान नहीं है, तो आस्ते आस्ते ये सब प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं. दी बोन मैट्रिक्स रीमॉडलिंग इज कॉन्स्टेंट. अप टू 10% बोन मास इज अंडरगोइंग रीमॉडलिंग एनी टाइम. 10% तो हमेशा बोन रीमॉडलिंग होता है, तुम काम करो नहीं करो, लेकिन ये कैल्शियम लेवल चालू रखने के लिए ये चलता रहता है. ऑस्टियोपोरोसिस इज डीमिनरलाइजेशन ड्यू टू फास्टर बोन एब्सॉर्प्शन बाय ऑस्टियोक्लास्ट देन रीबिल्डिंग बाय ऑस्टियोब्लास्ट.
ये तो मैंने बताया आपको, कॉमन इन ओल्ड एज मोर इफ द पीक बोन मास इज लेस देन लेस इन 30 ईयर्स ऑफ एज. 30 साल तक आपका रिजर्व बैंक के अंदर तुम्हारे पास पैसा कम होगा तो बुढ़ापे में आपको खुद को संभालना मुश्किल हो जाता. वैसे ये है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, सीरम कैल्शियम लेवल यानी खून के अंदर जो कैल्शियम का लेवल है जो मैंने आपको बताया, इंक्रीजेज द थायराइड सीक्रेट्स कैल्सिटोनिन. ये जो थायराइड ग्लैंड नीचे बताया मैंने आपको जो यहाँ रहता है इधर, वो आपको थायराइड उसके अंदर जो कैल्सिटोनिन नाम का जो एक केमिकल रहता है वो आपको कैल्शियम प्लाज्मा से निकालने के लिए यानी खून में से निकालने की संवेदना देता है. PTH यानी पैराथायरॉयड हार्मोन, ये जो नीचे बताया ना ये चार डॉट्स लो लाल लाल बताया ना, ये थायराइड ग्लैंड की पीछे बहुत माइन्यूट रहते हैं, आपको आँख से दिखेंगे नहीं, ऐसे छोटे रहते, जब खोल के देखेंगे तो एकदम माइन्यूट डॉट्स, चार डॉट्स रहते हैं थायराइड के बीच. PTH सीक्रेट्स टू एब्सॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम द ब्लड. जब कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है ऑस्टियोब्लास्ट यानी बोन फॉर्मेशन चाहिए, बोन ज़्यादा बनाना है तो कैल्शियम खून में से लेके वापस डाला जाता है, जब कम है तो निकाला जाता है. जैसे हम लोग बैंक में करते हैं, पैसे की जरूरत है निकाला, जब नहीं जरूरत डाल दिया, उसी हिसाब से. देयर इज मोर कैल्शियम इन सीरम देन इन सेल्स. जो कैल्शियम जो होता है हमेशा जो अपने शरीर के अंदर जो सेल्स है या सेल्स को आप क्या बोलेंगे हिंदी में, छोटा यूनिट रहता है ना अपने बदन में, उसका सेल्स को हिंदी में क्या बोलेंगे, पेशी. करेक्ट, पेशी इज एक्चुअली ऑर्गन पर सेल है इसे. तो उसके अंदर अंदर कैल्शियम कम रहता है लेकिन आजू बाजू में उसका जो खून घूमते रहता है उसके अंदर कैल्शियम ज़्यादा रहता है. वो काय के लिए रहता है कि उसके सेल्स के अंदर उसके जो काम चल रहा है यदि कम हो गया है ना तो वो ज़्यादा स्टिमुलेट होगा. यानी आपको देखे होंगे कभी कभी आपके पैर में क्रैम्प्स आते रात के अंदर, ये उंगलियां ऐसे होती है. जब कैल्शियम लेवल कम होता है, बहुत सारी दूसरी चीज़ में भी होता है लेकिन कैल्शियम कोने से इसको हम लोग टिटैनी बोलते हैं. जो नॉर्मल लेवल 9.4 होता है उसके आधा कम हो गया यानी 3 मिलीग्राम पर डिसीलीटर हो गया तो ये होने की संभावना होते हैं टिटैनी होने की, यानी पैरों हाथ होना, मसल ट्विच होना, ऐसे ऐसे हो गए खून, ये आपको मूंगी मूंगी आएंगे हाथ में, ज़्यादा कैल्शियम, हार्ट जो है वो पल्पिटेशन होने लगेगा, ये सारी चीज़ें होती रहती. तो वो तो टिटैनी मैंने नीचे बताया. सीरम कैल्शियम लेवल फॉल्स बाय हाफ देन द नॉर्मल कैल्शियम ऑफ 9.5 मिलीग्राम पर डिसीलीटर, क्रैम्स इन हैंड्स लेग्स एंड पल्पिटेशन एंड गेडीनेस स्टार्ट्स. ऑस्टियोपोरोसिस ऑल्सो सीन इन डिसीजेस सच एज जब भूख नहीं लगती, एनोरेक्सिया यानी किसी किसी कारण से आपको भूख ही नहीं लगती बुढ़ापे में, तो उस टाइम में कैल्शियम का इंटेक कम हो जाता है. सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरीज, कोई कोई औरतों में कभी कभी अंडकोश निकाला जाता है, ओवरी के अंदर इस्ट्रोजन रहता है, वो इस्ट्रोजन की मात्रा कम होती है, क्यों कि इस्ट्रोजन ओवरीज निकाले जाते. हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जो आपको पता है इसका काम ज़्यादा होने लगेगा, कोई कोई डिसीज इसमें ऐसा होता है उस टाइम में भी ऐसा होएगा. अल्कोहलिज्म, ज़्यादा दारू पीने वाले लोग, सिगरेट पीने पानी मिलेगा ऐसे. अकड़ी आने की दवाइयाँ होती है डायलेंटिन सोडियम वगैरह, उसके अंदर भी कैल्शियम लेवल कम हो सकता है. स्टीरॉइड्स, इसको आपने सुना होगा, प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन, ऐसी जो दवाइयाँ होती है उसमें भी ऐसा होता है. PPI एसिडिटी के लिए हम लोग लेते हैं ना ओमीज, ओमीप्रेजोल, पेंटाप्रेजोल, ये इसके अंदर में भी ज़्यादा आप जब एसिडिटी के लेते हो कैल्शियम की मात्रा शरीर में कम होती है, ज़्यादा लेंगे तो आप. सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आप कहीं घूमेंगे नहीं, सिर्फ घर में रहेंगे, बाहर निकलेंगे नहीं, ऐसे लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस, वेट बेयरिंग एक्सरसाइज चाहिए, चलना फिरना चाहिए, घूमना चाहिए, आपका शरीर का वजन उस पर आना चाहिए. ये पीक बोन मास मैंने आपको बताया, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बोन मास ए पर्सन हैज ड्यूरिंग और अप टू 30 ईयर्स ऑफ एज.
in males and females, usually lowers in female and whites and Asians. Europeans logo mein aur hum logo mein aur females mein kam rehta hai. What are the risk factors? Kis mein dar hai aapko? Risk kis mein hai? Aap badlav kar sakte hai, aise factors kaun se hai? Sedentary lifestyle. Excess of alcohol आप बंद कर सकते हैं, smoking, tobacco खाना बंद कर सकते हैं, ये आप बदल के habit, आपको osteoporosis changeable करके के दवा लेके आप कर सकते हैं. Unchangeable आप female हैं, आप क्या करेंगे? Female है तो आपको suffer करना ही है. Old age, ये तो part and parcel of life है. Race, जैसे मैंने बताया Asians और whites इन लोगों में ज़्यादा है, ये नहीं बदल सकता है. Small body frame, दुबला पतला इंसान हो वो शुरू से ही उनका बॉडी फ्रेम कम होने से ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना ज़्यादा है. इन लेस एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन, जैसे मैंने बताया जब अंडकोश निकाला जाता है या किसी का गुर्दा निकाला जाए जिसको टेस्टिस निकाला जाते हैं ना, नीचे एक गोटी होती हो. हाइपर थायराइड एंड पैराथायराइड, थायराइड का काम कभी कभी ज़्यादा होता है ऊपर वाला और नीचे का पैराथायराइड, दोनों का काम ज़्यादा हो गया तो भी ये फैक्टर की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है. व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन आपको पता है? फ्रैक्चर फर्स्ट, कॉमन इन हिप जॉइंट, मैंने बताया आपको, कॉमन इन वेट बेयरिंग जॉइंट्स, हिप जॉइंट, देन वर्टेब्री वेस्ट जॉइंट, यहाँ आपका वजन ज़्यादा रहता है तो ये कॉमन है. और दूसरा रिस्ट, ठीक है, रिस्ट जॉइंट इधर बताया. 20% of elders who have hip fractures will die within 1 year of injury. ये हड्डी आपकी टूट गई बुढ़ापे में, आप चलना क्योंकि वेट बेरिंग है, आप चल नहीं पाते, सो के कंटाल कंटाल के आपकी लाइफ खराब हो जाती है. और जो आप 70 साल के 80 साल जीने होते हैं तो 70 साल की उम्र में पाँच साल तक ज़्यादा निकाल सकते, आदमी जल्दी मर जाता है, लाइफ स्पेन कम हो जाता है. चलना घूरना कम होने से क्या होता है, आपको फ्रैक्चर होने से आपका लाइफ, यू नो, यू डोंट एंजॉय लाइफ. बैक किक एंड हंच बैक, लॉस इन हाइट, वही तो बात किया मैंने. आप रॉड डाल सकते हैं लेकिन वो तो लाइफ लॉन्ग रहेगा, लेकिन अभी आपकी हेल्थ खराब हो, अभी हीमोग्लोबिन आपका 8 ग्राम 9 ग्राम है, आपकी हड्डी इतनी पतली है कि उसमें रॉड भी नहीं जा सकता है, उसको फिर आपको फिर स्प्लिंट देके आपको चलाना पड़ता है, यानी पूरा आप खड़ा नहीं रह पाए, वेट बेरिंग नहीं कर पाते इस टाइम. लेकिन वो आप स्टील का प्लेट डाला तो ज़िंदगी हो सकती है बराबर, लेकिन ओल्ड एज में आपका, मैंने बताया वैसा पीक बोन मास जो 30 साल की उम्र में आपका अच्छा रहेगा तो शायद यू कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम. बैक एक हंच बैक मैंने बताया, हाइट कम होती होगी बताया मैंने आपको. ये आपको कैसे पता चलता है? ये साइलेंट डिसीज़ है तो आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर क्या क्या कर सकता है? बोन डेंसिटोमेट्री जो है, प्लेन एक्सरे से आपको क्या पता है कि ऑस्टियोपोरोसिस पता नहीं चलता है. ऑस्टियोमलेशिया ज़्यादा ज़्यादा है, यानी जब बोन पतला हो जाता है तो एक्सरे प्लेट ज़रा अलग दिखता है आपको, उसके अंदर जो कालापन दिखना है वो नहीं दिखता है. यूएसजी यानी जैसा सोनोग्राफी बोलते हैं ना, वैसा पैर हम लोग रख के करते हैं ना, वो सोनोग्राफी मशीन है, उसमें अच्छा खासा आपको पता जाएगा. लेकिन सबसे बेहतर ये है डेक्सा, ड्यूएल एनर्जी डेंसिटोमेट्री. इसमें क्या है, एक आलेख निकाला जाता है, उसके अंदर जो 30 साल की उम्र में तुम्हारे एशिया के, जैसे हम लोग एशियंस हैं तो हमारी रेस में 30 साल तक के बच्चों को कितना रहता है ये इसका कैल्शियम लेवल, उसके हिसाब से वो बना के उसमें मशीन में डाला जाता है. उसके हिसाब से यदि माइनस टी 1 और 2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन उसके गया तो हम लोग बोलते हैं उसको ऑस्टियोपेनिया, और बिलो पॉइंट -2.5 गया तो हम लोग उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलेंगे. उसमें से इमीजिएटली पता चलता है. सीरम कैल्शियम लेवल मैंने जैसे आपको बताया
टीन्स 10 से 10.7, एल्डर्स में 9.4 और लेस देन 10 मिलीग्राम एंड विटामिन डी 3 लेवल 30 to 50 नैनोग्राम्स। ये हम लोग ब्लड टेस्ट करके पता चलता है कि भाई शायद ऑस्टियोपोरोसिस आपके इसमें है। कंफर्मेशन तो डेक्सा, ये डेक्सा जो मशीन है एक्सरे मशीन, दैट इज द कंफर्मेशन। रिकमेंडेड ट्रीटमेंट, सबसे बेस्ट गुड डाइट, खाने में आप बराबर खाते रहिए, सुबह में एक ग्लास दूध, शाम में एक ग्लास दूध, आप वेजिटेरियन हैं तो आप ग्रीन वेजिटेबल्स, नट्स जैसे बोले कि आलमंड्स बोले, पीनट्स बोलिए, इसके अंदर भी कैल्शियम काफ़ी रहता है। सीरियल्स आप जो खाना आप बनाते हैं, वीट, जवार, इसके अंदर भी कैल्शियम बहुत सारा है, मिलेट्स वही जवार वगैरह, वेजिटेबल्स ग्रीन, ग्रीन वेजिटेबल्स में ये प्रॉब्लम ये है कि उसके अंदर फाइलेट्स रहते हैं, उसके अंदर फाइलेट होने से क्या होता है, जब आपका खाना ऑयली रहेगा तो जब डाइजेशन होता है इंटेस्टाइन के अंदर तो वो सोप बना देता है, यानी ऑयल प्लस दैट फैटी एसिड आप जो आप कुकिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं वो दोनों एक साथ में आ गए तो पचन क्रिया के अंदर तकलीफ होती है। क्यों? कि उसका जो कॉम्बिनेशन बनने से उसमें सोप जैसा चीज़ बनता है अंदर और उसमें से कैल्शियम एब्सॉर्ब होना बहुत मुश्किल होता है। और सबसे ज़्यादा कैल्शियम आप जब खाते हो तो पहला जो अपना छोटे हाथ का जो हिस्सा है उसको ड्यूडेनम बोलते हैं, 70% जो चीज़ है वो यही एब्सॉर्ब होता है और वो विटामिन डी प्रेजेंट होने से ही वो एब्सॉर्ब होता है। विटामिन डी की मात्रा कम होगी, 20 नैनोग्राम के नीचे होगी तो यहाँ से एब्सॉर्प्शन मुश्किल है। इसके लिए आपको विटामिन डी लेना ज़रूरत है और कैल्शियम भी लेना। सिर्फ कैल्शियम लोगे तो शायद एब्सॉर्प्शन कम होगा। फिर पैसिव एब्सॉर्प्शन बोलते हैं हम लोग, 30% जो है आगे चल के इसमें विटामिन डी नहीं रहेगा तो भी चलता है, 70% यहाँ रहता है, 30% यहाँ नीचे इंटेस्टाइन होता है 21 फुट, उसके अंदर आस्ते आस्ते एब्सॉर्ब होता है, लेकिन यहाँ 70% जब होता है तो विटामिन डी की मात्रा 20 और 25 नैनोग्राम के ऊपर होनी ज़रूरत है। और वो विटामिन डी आपको कहाँ से मिलता है? सनलाइट से मिलता है। सनलाइट से नहीं मिलता तो आपके विटामिन डी की टैबलेट लेनी पड़ती है, वो आपको 100 to 600 यूनिट्स अच्छी आपकी मात्रा विटामिन डी की ज़्यादा है तो आप इतने में काम कर सकते हैं, लेकिन उससे कम है तो आपको 600 से भी ज़्यादा लेना पड़ता है, वो आगे मैं बताऊँगा उसमें। मेडिसिंस, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, ओरली टैबलेट्स 1200 to 1500 मिलीग्राम पर डे, 500 मिलीग्राम की एक टैबलेट होती है, कभी कभी 1000 की भी होती है, उसमें से 50% एलिमेंटल कैल्शियम से एब्जॉर्ब होता है, यानी आप जब 1000 लेते हो तो 500 सिर्फ खून में जाता है, तो आप ऐसा नहीं समझना 1000 लेने से 1000 के बाकी का सब संडास में से निकल जाता है। इंजेक्टेबल विटामिन डी 3 और ओरल विटामिन डी 3, इफ़ लेवल्स आर लो 600 यूनिट्स पर डे फॉर 1 ईयर टू 70 ईयर्स एंड 800 to 1000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे फॉर अबव 71 ईयर्स, 70 साल की उम्र जब ज़्यादा है तो आपकी ज़रूरत है विटामिन डी की 1000 के करीब डेली, या आपको ज़्यादा पावर वाला 6000 यूनिट्स वाला हर 15 दिन में लेना पड़ता है या महीने में एक बार लेना पड़ता है। देन बाकी क्या करेंगे उसके साथ में, दूसरे दवाइयाँ हैं, एलेंट्रोनेट करके है दवा, ज़्यादा करके वर्टिब्रे का जो फ्रैक्चर होता है उस टाइम में एलेंट्रोनेट हम उसके साथ में देते हैं ताकि कैल्शियम डिपोजिशन उसमें अच्छा होता है। एलेंट्रोनेट, रेजिड्रोनेट ये सब दवाइयाँ, ये इसकी तो आपको कुछ काम नहीं है। और दूसरी है डेनोसोमाब और ट्राइपरटाइड। मेजर्स टू अवॉइड फॉल्स, ज़्यादा करके रात के टाइम में बाथरूम जाते टाइम आजकल सब शाइनिंग वाले टाइल्स लगाए जाते हैं और रात के अंधेरे में यदि आपका घर छोटा है कोई नीचे सोया है तो पैर फंस के आप गिर सकते हैं, लाइट नहीं होगा तो पैर फिसल के गिर सकते हैं और फिसलने के बाद कमर टूट सकती है, हिप जॉइंट टूट सकता है या रिस्ट जॉइंट टूट, इसलिए वेल इल्यूमिनेटेड एरिया आप बाथरूम के पास जाते हो वो एरिया अच्छा उसमें प्रकाश होना जरूरी है, आपको देखना है या पकड़ने के लिए कुछ आजू बाजू में हो ताकि आप पैर नीचे ना गिरे।
और काफ़ी टाइम देखा है यदि आप चप्पल या शूज अंदर डालते हो बाथरूम में जाते टाइम, वो यदि लूज फिटिंग वाला हो तो पैर फिसल के गिर सकता है, या आपने नाड़ा बराबर बांधाला नहीं होगा तो नाड़ा टूट के या पैर में फिसल के आप गिर सकते हैं। बाकी का हार्मोन रिप्लेसमेंट, औरतों में जब मासिक पाली बंद हो जाती है तो एस्ट्रोजन लेवल हम देते हैं, वो इसके लिए स्पेशलिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा, वो बता के आपको देंगे। हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है, इसका ट्रीटमेंट आपको डायबिटीज़ का है तो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट लेना है, और कोई डिसीज़ है टीबी है वो है उसका भी आपको दवाइयाँ लेना है। थैंक यू।